राखी सावन को संभालना हुआ अब बहुत ही मुश्किल। क्या उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी का असर उनके गेम पर भी पड़ने वाला है? और क्या उनके दोस्त उन्हें ही अब छोड़कर पीछे हटने वाले हैं? क्या है पूरी बात, आइए आपको हम बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों जहां रुबीना दलायक के हबी अभिनव शुक्ला के साथ राखी सावन ने जिस तरह की हरकत की, उसको लेकर रुबीना कितनी ज्यादा नाराज हो गई थी। अब ऐसे में रुबीना के मुंह से ये बात भी निकल गई कि ये तो संगति और दोस्ती का असर है। माने न माने, रुबीना दलायक का सीधा सीधा निशाना राखी सावंत के दोस्त राहुल वैद्य पे था, क्योंकि राखी सावंत ये कहते हुए नजर आई थी कि अभिनव शुक्ला उनके हस्बैंड यहाँ पर तो नहीं है बल्कि एक नॉर्मल कॉन्टेस्टेंट है और वो इसी लिहाजे से अभिनव शुक्ला के साथ ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए राहुल वैद्य की, तो यहाँ कुछ अलग ही सिनेरियो हमें देखने को मिला। लाइव फीड में राहुल वैद्य एलिगोनी के साथ बात करते हुए नजर आए और ऐसे में उन्होंने राखी सावंत के बारे में क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। राहुल वैद्य ये कहते हुए नजर आए कि राखी सावंत जब एंटरटेनमेंट करती है तो अच्छा लगता है, पर ज्यादा करती है तो अच्छा नहीं लगता। भाई ने भी बोला था, कैसे समझाए इसको, इतना ज्यादा स्प्लिट कोई कैसे कर सकता है। अब ऐसे में रुबीना दलायक का जहां निशाना राखी सावंत की संगति और दोस्ती को लेकर राहुल वैद्य पे था, वहीं राहुल वैद्य तो अब राखी सावंत के ही अगेंस्ट खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले एपिसोड में क्या इन दोनों की सुलह हो पाएगी भी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।